तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर है उसके अंदर से 15th ग्रुप आज हम करेंगे, ठीक है। तो 15th ग्रुप के अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये आएंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फोरस, ए एस मतलब आर्सेनिक, आर्सेनिक, एस बी मतलब एंटीमनी, BI मतलब बिस्मिथ, ठीक है। अब सबसे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी बात ऐसी है, वैसे हम ये समझते हैं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब ना नॉन मेटल होते हैं, पर इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। पी ब्लॉक के अंदर हमारे मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, इवन मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो ये क्या है, सबके सबका मिक्सचर है एक तरीके से। तो ठीक ऐसे ही जो आपका नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस है ये दोनों होते हैं नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी यानी कि Sb ये होते हैं आपके मेटलॉइड्स, एंड जो बिस्मिथ है यानी Bi है ये एक मेटल है, ठीक है। अब देखो अगर मेटल होगा कोई तो वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, अगर नॉन मेटल होगा तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, ये चीज तो हमें पता है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर क्या है हमारे पास कि जो ये हमारे पास है ना यानी 15th ग्रुप वाले एलिमेंट ये ऑक्साइड भी बनाते हैं और हैलाइड भी बनाते हैं। तो इनके ज्यादातर सारे के सारे हैलाइड्स कैसे होने चाहिए, कोवेलेंट होने चाहिए, पर बिस्मिथ एक ऐसा मेटल है। अब मेटल हो गया तो इसका हैलाइड भी कैसा होगा, आयनिक होगा, यानी बिस्मिथ फॉर्म करता है एक अकेला ऐसा है जो क्या फॉर्म करेगा, आयनिक हैलाइड। बाकी सबके सब कैसे बनाएंगे, कोवेलेंट हैलाइड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर मेन अपना पॉइंट एक उठता है वो ये है, कई बार क्वेश्चन आता है कि इन सबके आपको हैलाइड्स बनाकर दे दिए जाएंगे, हैलाइड मतलब एक्स हैलोजन ग्रुप आए, जैसे फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए या आयोडीन आ जाए। सो हम बात करें जैसे NF3 मैंने लिख दिया और एक NF5 लिख दिया, तो वो चार ऑप्शन देखिए हमसे ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा एलिमेंट आपका इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि NF5 मतलब जिसके साथ में 5 हैलोजन जुड़े हुए हो। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा NF5, यानी NF5 नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन क्या है, नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकता है, NF3, यानी कि NF3 का मतलब ये है कि ये सिर्फ ट्राइहैलाइड बना सकता है। अब वो NF3 हो, चाहे NCl3 हो, चाहे NBr3 हो, कुछ भी हो, पर वो क्या बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 नंबर आ सकता है, 5 पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आगे PCl5 लिख रखा है, तो फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड बना सकता है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बना सकता। रीजन क्या होगा कि नाइट्रोजन के अंदर डी ब्लॉक होता है एब्सेंट, तो डी ब्लॉक इसके अंदर नहीं होने की वजह से, यानी जो नाइट्रोजन है हमारा इसके अंदर डी ब्लॉक की फिलिंग नहीं होती, और यही रीजन होता है कि ये पेंटाहैलाइड नहीं बना सकता, ठीक है। आगे चले, सो नेक्स्ट है हमारा एक PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से लेकर भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो क्या है हमारा, इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से करेंगे। सो PCl5 जब आपका गैस या फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, यानी गैशियस या फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर जब ये एग्जिस्ट करेगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, और हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के अंदर पहले पढ़ा हुआ है तो कह रहा हूँ क्लास 11th का चैप्टर, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जब इस तरीके से 5 बॉन्ड बने हुए हों और लोन पेयर ना हो तो शेप कौन सी बनती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या होगी, PCl5 की शेप होगी जब वो कौन सी फॉर्म में होगा, या तो गैस फॉर्म के अंदर या फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो अराइज होता है, हम क्वेश्चन फॉर्म में चैप्टर को लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर जो ऊपर की साइड 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये वाला ऊपर की साइड और एक ये वाला नीचे की साइड, तो ये बॉन्ड कहलाते हैं एक्साइल बॉन्ड, जबकि जो ये वाला क्लोरीन है इधर है और इधर है, जो ये 3 है बीच के अंदर, ये कहलाते हैं हमारे इक्विटोरियल बॉन्ड। सो क्वेश्चन ये आता है कि क्यों एक्साइल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है कंपैरिजन टू इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ के। मैंने लिखा भी हुआ है जो एक्साइल वाले बॉन्ड है इनकी लेंथ कितनी है 240 पिकोमीटर, जबकि इक्विटोरियल बॉन्ड की लेंथ कितनी है 202 पिकोमीटर, यानी कम है ना। तो
और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, जो यहाँ पर आपका एटम है और यहाँ पर एटम है, इन दोनों के बीच में जो मैंने ये बॉन्ड इस तरीके से लाइन बना रखी है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, बॉन्ड को, और इसकी हमें लेंथ जब हमने मापी भाई कितना लंबा ये बॉन्ड है, तो वो ये क्या थी, मेजरमेंट्स थी। तो अब क्वेश्चन आया कि क्यों आपके एक्साइल बॉन्ड की जो लेंथ है वो ज्यादा होती है इक्विटोरियल से, तो रीजन ये होता है कि जो इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर है जो तीन क्लोरीन है, अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन तो इनका बॉन्डिंग में चला गया, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बच गए इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर वो एग्जिस्ट करेंगे लोन पेयर की तरह। तो इन तीनों के तीनों क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है तो ऊपर वाले दोनों क्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर, पर जो ये जो इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर जो तीन क्लोरीन प्रेजेंट है ये ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं, मतलब तीन है तो ज्यादा ताकतवर, तो ये क्या करेंगे, इस ऊपर वाले और नीचे वाले क्लोरीन को रिपेल करेंगे, मतलब अपने से दूर की तरफ इनको भेजेंगे, आप दूर की तरफ भेजेंगे यानी इनको रिपेल करेंगे ऊपर और नीचे, और रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि जो ये शेप्स आती है ये कब आती है, कि जो बॉन्ड्स हैं वो अपने आप को ऐसी जगह पर आकर अलाइन कर लेते हैं जो भी एटम्स हैं जहां पर रिपल्शन मिनिमम हो। अब ये बात करते हैं ना कि अगर हमारी किसी के साथ लड़ाई हो गई तो हम उसे दूर जाके बैठ जाएंगे, तो ठीक इनका भी यही कॉन्सेप्ट है, ये तीनों के तीनों इसको रिपेल कर रहे थे तो ये क्या करेंगे, ये अपनी लेंथ को बढ़ा लेंगे, हम तो उनसे दूर ही हो जाएंगे। सो रीजन क्या होता है कि रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से जो एक्साइल बॉन्ड है इसकी लेंथ क्या हो जाती है, इक्विटोरियल बॉन्ड से ज्यादा, और रिपेल कौन कर रहा है, जो थ्री इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर क्लोरीन है उनकी रिपल्शन ज्यादा है जितना ये दोनों इन दोनों को रिपेल करेंगे, मतलब इन तीनों की रिपल्शन ओवरऑल ज्यादा है एज कंपेरिजन टू दो क्लोरीन से, ठीक है। अच्छा तो उसके बाद में क्या है कि अब ये तो क्या था, गैस या लिक्विड फॉर्म में, सो जब आपका PCl5 होता है गैस या लिक्विड फॉर्म के अंदर तो इसकी शेप हमने देख ली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसका कलर क्या होता है, येलोइश पाउडर होता है, PCl5 येलो कलर का एक पाउडर होता है इन रियलिटी, ये मतलब येलो कलर का पाउडर होता है। जब ये सॉलिड स्टेट के अंदर मिले तो सॉलिड स्टेट के अंदर PCl5 एक आयनिक कंपाउंड बना देता है, और उस आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन से दो आयन्स होते हैं, वो होते हैं PCl के ऊपर, तो PCl4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड PCl6 के ऊपर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। सो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन गया, एक आयनिक कंपाउंड, पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, किसी एक एटम के ऊपर नहीं है, जैसा कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर हम ज्यादातर देखते हैं। तो यहाँ तो आपका आयनिक बॉन्ड हो गया, पर जो अंदर PCl4 था और PCl6 था, यहाँ पे तो क्या होगी, इनकी कुछ ना कुछ शेप आएगी क्योंकि कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे, सिर्फ इन कॉम्प्लेक्स के बीच में तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया कि आयनिक बॉन्ड बनाएगा। सो जो आपका PCl4 पॉजिटिव है इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, जबकि जो PCl6 नेगेटिव होता है इसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, वहां पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थी, यहाँ पर PCl4 पॉजिटिव की शेप होती है टेट्राहेड्रल, एंड PCl6 नेगेटिव की क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है हमारे, ठीक है। यहाँ हो गए हमारे PCl5 से एंड NF3 से क्वेश्चन। अब हम आगे बात करें तो फॉस्फोरस के कुछ और कंपाउंड भी होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि PH3। PH3 क्या होती है, इसको फॉस्फाइन गैस बोला जाता है, PH3 फॉस्फाइन गैस। तो जो फॉस्फाइन गैस होती है ये कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं होता इसका, हाईली पॉइजनस होती है, बहुत ज्यादा पॉइजनस है, एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस है, यानी इसमें से एक पंजेंट स्मेल आती है, ठीक है। फॉस्फाइन का सिर्फ इतना ही है, फॉर्मूला पूछा जाता है PH3 फॉस्फाइन गैस, और क्या है, हाईली पॉइजनस है, तो इसको पहले वॉर्स वगैरह के अंदर भी यूज किया जाता था जब लड़ाई वगैरह होती थी। आगे चले तो आगे आता है हमारा PCl3, ठीक है। तो PCl3 क्या हो जाता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। आप बोलोगे भाई फास्टली चल रहा है, पर कोई बात नहीं, आप लोग तो पोज करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी आगे है हमारा PCl3, सो दैट इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। सो फॉस्फोरस जो ट्राइक्लोराइड होता है ये भी कलरलेस है, कैसा है, एक ऑयली लिक्विड है, वो ऑयली नहीं था, वो तो कैसा था, सिर्फ कलरलेस था, भैया पॉइजनस वाला था, ये कैसा होगा, कलरलेस होगा, एक ऑयली लिक्विड होगा, और इसकी शेप
होती है या जो पीसीएल 3 है इसकी शेप कैसी होगी, पिरामिडल। और ठीक ऐसे ही इस TH3 नाम के कंपाउंड की शेप भी कैसी होती है, पिरामिडल, जिसको क्या बोलते हैं, फॉस्फाइन गैस में। सो दोनों की शेप क्या है, पॉइजनस नहीं पिरामिडल है। पीएच3 आपका पॉइजनस था, पीसीएल3 क्या होता है, ऑयली सा लिक्विड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमोनिया। ऐसे करके याद रख लो, पहले आया भैया हाइड्रोजन, फिर आ गया क्लोरीन। हाइड्रोजन बोला भैया मैं तो आग लगवाऊंगा, मतलब आग तो नहीं लगवाई, ये बोला मैं तो पॉइजनस हूँ। तो ये भैया कई बार वर्ल्ड वॉर वगैरह के टाइम पे भी यूज होता था, पॉइजनस था ना, तो भाई गैस छोड़ दो। ठीक है, आगे आ जाता पीसीएल3। तो पीसीएल3 क्या है, एक ऑयली सा लिक्विड है। ठीक है, ऑयली लिक्विड, ऑयल फायर कैच। ठीक है, वही फायर कैच नहीं करता, ऑयली लिक्विड होता है और वाटर के अंदर अच्छे से तो सॉल्युबल नहीं होता, पर स्लाइटली सॉल्युबल जरूर होता है। ठीक है, आगे चले अमोनिया। अमोनिया तो सबने सुनी हुई है, और अमोनिया को बनाने की सबसे जो बेस्ट प्रोसेस है, बहुत बार आती है, वो होती है हमारी हैबर्स प्रोसेस। और हैबर्स प्रोसेस के कैटलिस्ट और टेम्परेचर पूछे जाते हैं, तो हम बात करते हैं हैबर्स प्रोसेस। NH3 क्या हो गया हमारा, अमोनिया। सो हैबर्स प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 moles ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, और क्या फॉर्म करता है, अमोनिया, और हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज हो रही है तो प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। जब भी हीट रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और ये किस टेम्परेचर पर प्रोसेस होती है, 700 केल्विन के टेम्परेचर पर यह प्रोसेस हो रही है। एक मिनट भाई, नहीं, हीट वाला कॉन्सेप्ट हम अलग से देखेंगे, एक्सोथर्मिक मत करो इसको, हम तो यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे हैं ना 700 केल्विन, मतलब हम खुद से दे रहे हैं, खुद से दे रहे हैं, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है। ये तो सिर्फ जो एक्स्ट्रा हीट बच गई होगी ना, उसको हमने गर्म करा, तो कंपाउंड भी तो एकदम पहले क्या होगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, हम गर्म कर रहे हैं ना धीरे धीरे, तो बाद में जो हीट बच गई होगी ना वो शो कर रखी है। तो यहाँ हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तो हैबर्स प्रोसेस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और कितने प्रेशर पर होती है ये, 200 एटमॉस्फेयर के प्रेशर के ऊपर, यानी कि लो टेम्प क्या चाहिए इसको, एक तो हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरा प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है एंड 700 केल्विन का क्या है आपका, टेम्परेचर है। टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है। प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं तो यानी क्या होगा हमें, ये रिएक्शन किस पर होगी, हाई प्रेशर के ऊपर हो रही है। ठीक है, उसके बाद में कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं, सो Al2O3 एंड पोटेशियम ऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। उसके बाद में जो आपका कई बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की जगह पर क्या यूज कर दिया जाता है, Fe और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी यूज किया जाता है। और आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी किसका काम करेंगे, कैटलिस्ट का, या तो आयरन या कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर Al2O3 या फिर पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट है आपका, जैसे अमोनिया को बनाने के लिए होती है हैबर्स प्रोसेस, जिसमें हम हीट सप्लाई करते हैं, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और हमें हाई प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ रहा है। आगे देखें नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3। सो नाइट्रिक एसिड को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ऑस्वाल्ड प्रोसेस। एक ऑस्वाल्ड प्रोसेस होती है, क्या होगा इसको, एक कॉन्टेक्ट प्रोसेस आएगी, वो होती है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो नाइट्रिक एसिड के लिए क्या होती है, ऑस्वाल्ड प्रोसेस होती है, जिसको से बनाया जाता है। ठीक है, आगे चले। अब नाइट्रिक एसिड तो बना लिया, अब पता कैसे लगाएंगे लैब के अंदर कि भाई इसके अंदर नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो पता कैसे लगाएंगे, उसके लिए एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। सो ब्राउन रिंग टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है या नहीं है। इसका एक टेस्ट होता है कि हम इसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट, सॉरी फेरस सल्फेट लेते हैं, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो एक ब्राउन रिंग बनती है। खैर वो हम टेस्ट वाली पूरी की पूरी अलग से टेबल कर लेंगे, जो आपकी पूरी की पूरी 11th 12th में जहां पर भी जितने भी टेस्ट लगते हैं वो सब उसके अंदर कवर हो जाएंगे। अब यहाँ आ जाते हैं पी ब्लॉक पर। सो नाइट्रिक एसिड क्या फॉर्म करता है, मतलब ये ब्राउन रिंग टेस्ट होता है नाइट्रिक एसिड को टेस्ट करने के लिए। उसके बाद में जो नाइट्रोजन है, अभी तो स्पेशल है, तो जो नाइट्रोजन है इसके अंदर तो होती है p pi बॉन्डिंग, तभी तो हमने बोला डी ऑर्बिटल नहीं होता, 3 से ज्यादा वैलेंसी नहीं दिखा सकती, बाकी सब +3 भी दिखा सकते हैं और +5 भी दिखा सकते हैं, पर नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा
दिखा सकता है +3। सो नाइट्रोजन के अंदर होती है p pi बॉन्डिंग, बाकी सबके अंदर होती है p pi d pi बॉन्डिंग। ठीक है, आगे चले। N और N यानी जो N2 का मॉलिक्यूल होता है, इस तरीके से नाइट्रोजन गैस, यहाँ पर दो नाइट्रोजन के एटम के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, जबकि बाकी चाहे फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो या बिस्मिथ हो, इनके अंदर क्या यूज होता है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, सिंगल बॉन्ड। इसीलिए ही नाइट्रोजन के बॉन्ड को तुड़वाने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की सीरीज, वो हम ऑलरेडी एक कंपाइल वीडियो के अंदर कर चुके हैं, ताकि सारे के सारे ग्रुप्स की एक के अंदर ही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, जिसकी वजह से इसका मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, काफी पूरी की पूरी लाइन के अंदर सबसे आगे आ जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो नाइट्रोजन के अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन की चैप्टर के अंदर, अगर कोई 1 मार्क का क्वेश्चन या फिर MCQ बन जाए तो उसके आंसर नाइट्रोजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में डी ब्लॉक नहीं होता, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, बाकी सब ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15th ग्रुप कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे 16th ग्रुप।